नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड की साल 2024 के एक धमाकेदार पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म आर्टिकल 370 के बारे में जो कि फाइनली आज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और जानना चाहते हैं कि फिल्म कितनी कमाई कर रही है और कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल 370 जिसको कि ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इंडिया में कई प्रकार की पॉलिटिकल फिल्में बन चुकी, लेकिन दोस्तों ज्यादातर फिल्मों में कई प्रकार की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के सच्चाई को दिखा रही है और ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म इंडिया में तो काफी अच्छी कमाई कर ही रही है, मगर ओवरसीज में भी ये फिल्म पहले दिन काफी शानदार ओपनिंग लेने वाली, जिसके पीछे का कारण है कि इस फिल्म में हमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का भी कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरसीज में फिल्म का काफी अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो अपने पहले दिन ये फिल्म सिर्फ इंडिया से लगभग 4.5 करोड़ की नेट कमाई कर रही है। वहीं फिल्म का कलेक्शन अपने पहले दिन का ओवरसीज से लगभग 2 करोड़ का आने वाला है। दोस्तों आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े बजट की फिल्में इंडिया से अपने पहले दिन 2 करोड़ की ओपनिंग नहीं ले पाती, लेकिन ये फिल्म ओवरसीज से अपने पहले दिन 2 करोड़ की कमाई कर रही, जो कि अपने आप में काफी शानदार रिस्पॉन्स है। और दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास ही बताया जा रहा है। अगर बात करें फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में, तो आज अपने पहले दिन ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस को मिलाकर लगभग 7.5 करोड़ से 8 करोड़ तक की कमाई करने वाली, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स है। दोस्तों जिसके पीछे का एक और बड़ा कारण है कि फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग भी मिल रही है। दोस्तों ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को 5 में से ओवरऑल 4 स्टार की रेटिंग दी गई, जिसकी वजह से ये फिल्म सभी का दिल जीत रही है। तो दोस्तों अगर आप सभी ने ये फिल्म देख ली, तो आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।